नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। सभी एक स्वर में तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छद्वं संवदद्वं सम्भो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संन्याना उपासते संन्याना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए और हाथों को वापस अपनी जगह ले आइए। अब हम चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास के साथ शुरू करेंगे। गर्दन दर्द वाले व्यक्ति इन अभ्यासों को सावधानी से करें। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आई। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम कीजिए। दाई और बाई ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ से जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए।
श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए। विश्राम करें। स्कंद संचालन। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वह इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आई। एक बार पुनः श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाई। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए। अभ्यास एक बार दोहराइए। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास दो बार कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आई। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधों के बराबर की दूरी रखकर खड़े हो जाइए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाई। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाई। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए और हाथों को भी वापस ले आइए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आई। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आइए। स्क्वाटिंग पोजीशन। श्वास भरते हुए वापस आई। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आई। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे आए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनके घुटनों में दर्द हो
वो एड़िया न उठाएं, पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं, श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आइए, श्वास छोड़े और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए, स्ट्रेच कीजिए पूरा शरीर को, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए, विश्राम कीजिए। वृक्षासन, श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने तलवे को बाएं पैर की गजंगा पर रखने का प्रयास कीजिए, श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में, शरीर को सीधा कीजिए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए, अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए, श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में, कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैर को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन, जिन्हें कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए, श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकिए, कमर को खींचने का प्रयास कीजिए, अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए, श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए, श्वास छोड़े और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अर्धचक्रासन श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आई, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। त्रिकोणासन, दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले जाइए, दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए,
दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें, अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। त्रिकोण आसन, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है त्रिकोणासन। अब श्वास भरते हुए वापस आई, अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजों को बाईं तरफ घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए, अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए, अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए, विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए, हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर सीधा करके बैठ जाइए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए, श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए, अपनी एड़ियों को शरीर के तरफ ले आई, कमर को सीधा करें, सीधा बैठ जाए, आंखें बंद करें, श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों की स्वास्थ्य रखता है। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। धीरे से दंडासन स्थिति में वापस आई, विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो, हाथों को घुटनों पर रखिए, कमर और गर्दन को सीधा कीजिए, आंखें बंद कीजिए। वज्रासन ये ध्यानात्मक आसन भी है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। पाचन क्रिया के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वापस आई, इसी आसन के साथ हम अर्ध उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए, हाथों को कमर पर रखिए, श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। कमर दर्द को ठीक करने में ये आसन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन के स्थिति में वापस आई, विश्राम कीजिए। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाए, घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकाए, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाईं एड़ी और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखिए, छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। उष्ट्रासन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में
वापस आइए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटने के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाइए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। तनाव और घबराहट को कम करता है शशकासन। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन कीजिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूक आसन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, सिर के पीछे से दोनों हाथों को ले जाइए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें, खींचो ऊपर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। वी कैन ओवरकम सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस बाय प्रैक्टिसिंग उत्थान मंडूकासन। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे दंडासन की स्थिति में वापस आए। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में पहले बैठ जाइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटनों के पास रखिए। अपने बाई हाथ को दाई घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के सामने की। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। पूरा ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट करो। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रण करने में वक्रासन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। यह आसन बाई तरफ से भी दोहराएं। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे को पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाई तरफ मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए। गर्दन को भी ट्विस्ट कीजिए। कमर को सीधा करें, खींचो ऊपर। श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली को हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखें और विश्राम कीजिए। मकर आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। हृदय विश्रांति के लिए बहुत सरल उपाय मकर आसन। अब हम आगे बढ़ेंगे भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए
अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं। धीरे से श्वास के साथ अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। आसन की स्थिति में बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। भुजंग आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। बहुत सरल आसन है, इट इज ए स्ट्रेस बस्टर कहते हैं हम लोग। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आई, मकर आसन में विश्राम कीजिए। अगला आसन शलभासन। अपने दोनों पैरों को मिलाई, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, ठुड्डी को जमीन से लगाई, श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाई, आराम से उठाई। ये आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आई। धीरे से मकर आसन में विश्राम कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई तरफ बाई या बाई तरफ दोनों में करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। सबसे पहले हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक ले आए, अपने थकनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब या कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए, जस्ट लाइक ए ब्रिज। पूरा खींचे ऊपर, स्ट्रेच कीजिए, वेरी गुड। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। सेतु बंधासन अवसाद की रोकथाम में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। श्वास छोड़ते हुए वापस आई, पीठ के बल विश्राम कीजिए। उत्तान पादासन। पैरों को मिलाई, हाथों को शरीर के बरात में सीधा कीजिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाए। अपने क्षमता के अनुसार सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए, विश्राम कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। देखिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है आसन अभ्यास से। अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार न कर पाए वे हाथों का सहायता ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आई, विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाई और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आई, दोनों हाथों की उंगलियों की आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए।
श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के नीचे पीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाई, पैर को सीधा कीजिए, शरीर को सीधा कीजिए, विश्राम करें। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं, हथेलियों को आसमान की ओर खुली रहे, हथेलियों को आसमान के ओर खुला रखें, आंखें बंद कीजिए, एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए, धीरे से शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, पूरा शरीर जमीन के संपर्क में विश्राम, टोटल रिलैक्सेशन। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। श्वास प्रश्वास धीमी होती जा रही है। शरीर के प्रत्येक अंग विश्राम की स्थिति में, मन शांत प्रसन्न समाधान चित्त। एक लंबा सांस लीजिए, धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाए आराम से। विश्रांति का अनुभव कीजिए। अब हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, कोई भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, बैठ जाइए। आँखों को बंद कीजिए, कमर और गर्दन सीधा रखिए, हाथों की ध्यान मुद्रा बनाई और घुटनों पर रखिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। कपाल भाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। एक्सहेल, श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपाल भाति का दूसरा चक्र शुरू कीजिए। विश्राम कीजिए, लंबी श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए।
अब हम तीसरा और अंतिम चक्र का भी अभ्यास करेंगे। प्रारंभ कीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपाल भाती श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में सहायक है। कफ विकारों को दूर करता है कपाल भाती। लंबी श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा करते हुए आँखों को बंद कीजिए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ की नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से श्वास लीजिए धीरे से। अब बाई नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़िए। अब दाहिनी नासिका रंध्र से श्वास लीजिए। ध्यान रहे आपकी श्वास धीमी गहरी और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। हाथ को सीधा करें, ध्यान मुद्रा में रखें। अब हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को बाहर निकालते जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। जीभ से गहरी श्वास लीजिए और नासिका से धीरे से श्वास छोड़िए। ये अभ्यास 4 बार और दोहराइए। जीभ से धीरे से श्वास लेना है, नासिका से श्वास छोड़ना है। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद रखते हुए हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए। एक बार और श्वास लीजिए। अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 2 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, श्वास लीजिए।
पुनः श्वास लीजिए। अब दोनों हाथों को वापस ले आए। यह प्राणायाम तनाव दूर करने में सहायक है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए और ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। कंधों को शिथिल कीजिए, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे से छोड़िए। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास लीजिए, धीमी और गहरी श्वास छोड़िए। शरीर शिथिल होते जाए, कमर गर्दन सीधा, श्वास प्रश्वास में सहजता, धीमी गति से श्वास प्रश्वास जैसे होते जाएंगे, विचारों में कमी आएगी। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजगता। तनाव से मुक्ति, शांति, विश्रांति। धीरे से विचार जैसे जैसे कम होते जाएंगे, शुद्ध विचार प्रणव ईश्वर परमात्मा का ध्यान करते हुए ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इन कठिन परिस्थितियों में एकजुट होकर रहने का संकल्प करते हैं, सभी संकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं। शांति समृद्ध भारत विश्व, यही हमारा प्रेरणा है।
शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। एक बार लंबा श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग्। जय हिंद, जय भारत।